दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज के बारे में, जहां पर उसको हमें कंपेयर करने और व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 2020 वाले से। तो देखते हैं कौन सी टीवी अच्छी है, किस में प्लस है, किस में माइनस है, कौन सी टीवी आपके लिए अच्छी है और कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं इसी टीवी में, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरफ रखता हूँ व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 2020 की 43 इंच वाली टीवी को और दूसरी तरफ रखते हैं यहाँ पे सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज 43 इंच वाली टीवी को। तो यहाँ पे अगर दोनों टीवी को कंपेयर कर दो, सबसे पहला डिफरेंस मुझे यहाँ पे लेते हैं इनके रेजोल्यूशन की, जहां पे आपको व्यू प्रीमियम दे रहा है 4K का रेजोल्यूशन और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे आपको मिल रही है सैमसंग की तरफ से फन बिलेबल फुल एचडी टीवी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो 2020 में तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि 4K टीवी ही लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब आने वाले 1 या 2 साल के बाद जो कंटेंट होगी ज्यादा करके 4K कंटेंट होगी। अगर आपकी टीवी उसके कैपेबल नहीं होगी तो क्या मतलब है लेके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टीवी ले लो हर महीने या हर साल तो चेंज नहीं करोगे, एटलीस्ट 3 से 4 साल यूज ही करोगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा 4K टीवी ही कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट और 1 ऑप्टिकल पोर्ट और 3.5 का mm का जैक देखने मिल जाएगा व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे आपको सैमसंग की टीवी में आपको देखने मिलेगा 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट और 1 ऑप्टिकल पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे इसी टीवी में। इसी के साथ साथ टीवी में ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलेगा आपको व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में, लेकिन ये ब्लूटूथ आपको देखने नहीं मिलेगा सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज में। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होगा, क्योंकि आज के तारीख में हर कोई चाहता है कि टीवी में बोलते हैं ना ब्लूटूथ हो तो या ब्लूटूथ से अनेबल रिमोट हो, तो ये चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है व्यू, लेकिन आपको सैमसंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो कि एक वेल नोन ब्रांड है। इसी के साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको टीवी में वाईफाई तो दोनों ही टीवी में देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डुअल बैंड और सिंगल बैंड वाईफाई का, जहां पे आपको व्यू प्रोवाइड कर रहा है डुअल बैंड वाईफाई। दूसरी तरफ बात करें सैमसंग में तो वहां पे आपको मिल रहा है सिंगल बैंड वाईफाई। तो दोनों में डिफरेंस है ये कि बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस या फिर बोलते हैं ना जो फ्रीक्वेंसी होती है, डुअल बैंड वाईफाई में आपको 2.5 और 5.0 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने मिल जाएगी। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे सैमसंग में तो सैमसंग में आपको सिर्फ आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बुरी बात होगी सैमसंग की। और बात करें यहाँ पे दोनों टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में तो व्यू प्रीमियम आपको 24 वाट का साउंड आउटपुट, उसी के साथ जो स्पीकर लगे बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको देखने मिल जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी है और डॉल्बी डिजिटल प्लस इसी के साथ 2 सराउंड का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा व्यू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज में। दूसरी तरफ बात करो सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज में तो वहां पे आपको मिलेगा 20 वाट का साउंड आउटपुट, इसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है डॉल्बी डिजिटल प्लस यूज हुई है। बात करें यहाँ पे टीवी के रिफ्रेश रेट के बारे में तो यहाँ पे आपको दोनों ही टीवी में 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे आपको व्यू दे रहा है आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको जो एंड्रॉइड वर्जन है 9.0 देखने मिलेगा। दूसरी तरफ बात करो सैमसंग की टीवी में, सैमसंग की टीवी में आपको हमेशा की तरह उसमें आपको टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे इस टीवी के इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में तो जहां पे आपको व्यू दे रहा है 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज, दूसरी तरफ आपको सैमसंग दे रहा है वहां पे आपको 1.5GB का रैम और 4GB का इंटरनल स्टोरेज, और जहां पे 4GB का इंटरनल स्टोरेज उसमें भी आपको 2GB ही यूज होने वाला, मतलब आप एप्स गेम्स कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे एकदम ना के बराबर। और दूसरी तरफ यहां पे व्यू में आपको मिला है 16GB का रैम और जो यूजेबल है वो 11GB का है, तो उसमें आप काफी एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहां पे सैमसंग ने काफी कॉस्ट कटिंग की है, जहां पे इंटरनल स्टोरेज बहुत एकदम ना के बराबर दिया और व्यू एक बहुत अच्छे प्लस पॉइंट पे जाता है जहां पे आपको 11GB का इंटरनल स्टोरेज यूजेबल वाला मिलने वाला। ठीक है, साथ साथ बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, कौन सी टीवी में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया। तो व्यू में लगाया गया है एमलॉजिक का A55 CPU और इसी के साथ जो GPU है माली 473 दिया गया है। दूसरी तरफ बात करो सैमसंग में तो सैमसंग ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, हम लोग ने काफी ट्राई किया उनकी टीम से बात करने के लिए, लेकिन वो उनको भी यहाँ तक इसके बारे में जानकारी नहीं कि कौन सा प्रोसेसर लगाया गया है इसी सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज में। मैंने बताया कि यहाँ पे जो टीवी आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर देखने मिल जाएगा और उसमें आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी तरफ बात करूं सैमसंग में तो वहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन वाला देखने मिला, तो वहां पे आपको जो सैमसंग का स्टोर देखने मिला ना वहां पे आपको प्ले स्टोर नहीं होगा। और अगर मैं प्ले स्टोर और सैमसंग स्टोर कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो एप्स है जो नंबर ऑफ एप्स है बहुत ज्यादा कम आपको मिलने वाले किसमें, सैमसंग में। तो सैमसंग मेरे हिसाब से आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें यहाँ पे एप्स आपको अगर डाउनलोड नहीं करने मिलेंगे तो आप स्मार्ट टीवी का एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। तो ये एक मेजर पॉइंट होगा जो आपको टीवी परचेस करते वक्त
कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कौन सी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, मतलब कौन सी टीवी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए टीवी में। तो यहाँ पे भाई एक चीज आपको क्लियर कट कहना चाहूंगा कि दोनों टीवी में जो पैनल लगाए गए वीए पैनल लगाए गए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जो पिक्चर टेक्नोलॉजी है दोनों में बहुत ही अलग अलग है। जहां पे व्यू यूज करा पिक्सेलियम टेक्नोलॉजी, इसी के साथ वीओडी अपस्केलर का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, एचडीआर 10 दिया गया है व्यू की टीवी में। और दूसरी तरफ बात करूं यहाँ पे सैमसंग की टीवी, तो सैमसंग की टीवी में पोर कलर टेक्नोलॉजी यूज है पिक्चर को इनहांस करने के लिए, जो कलर से अच्छे अच्छे प्रोड्यूस करने के लिए। इसी के साथ ही साथ जो पिक्चर इंजन है वो हाइपर रियल वाला यूज किया गया है, और इसी के साथ जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है उसको इनहांस करने के लिए कॉन्ट्रास्ट इनहांसर टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो कि एक सैमसंग की बनाई गई टेक्नोलॉजी है। और इसी के साथ ही साथ आपको सैमसंग एचडीआर का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है इसी टीवी में। और पिक्चर क्वालिटी को मेजर करने के लिए सैमसंग यूज करता है पीक्यूआई, जिसको बोलते हैं पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे जो पीक्यूआई है ये सैमसंग की फन बिलेबल सीरीज का वो 1000 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, मतलब अगर मैं बाकी उसकी सीरीज से मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी कैसी होने वाली है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और बात करें आप इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो जहां पे आपको व्यू दे रहा है ब्लूटूथ अनेबल रिमोट, उसकी इसी के साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाएंगे अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार यूट्यूब के। बात करें सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग की टीवी में आपको एक सिंपल आईआर रिमोट देखने मिलेगा, और ना ही उसमें ब्लूटूथ है ना ही उसमें हॉटकीस आपको देखने मिलेंगे, तो ये चीज भी कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे हर पॉइंट में मुझे लग रहा है कि सैमसंग माइनस पॉइंट में, और एक व्यू एक अच्छे पॉइंट पे बोलते ना लीड कर रहा है। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि भाई आपको कौन सी टीवी लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप शायद इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि कौन सी टीवी आपके लिए बेटर होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करें इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो जहां पे व्यू की 43 इंच 4K की टीवी आपको मिल रही है 25,000 रुपए के आसपास फ्लिपकार्ट पे। दूसरी तरफ बात करूं सैमसंग के फन बिलेबल सीरीज के बारे में, तो वहां पे आपको मिल रही है 35,000 रुपए के आसपास। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, मतलब 10,000 रुपए का डिफरेंस है। उसमें भी आपको जो सैमसंग दे रहा है आपको एक फुल एचडी टीवी दे रहा है, ना कि 4K टीवी। इसी के साथ ही साथ आपको जो रैम और स्टोरेज है वो भी बहुत कम है, मतलब 4GB का दिया है उसमें भी 2GB यूजेबल है, उसमें आप क्या ऐप डाउनलोड करोगे और क्या करोगे। और इसी के साथ साथ सैमसंग बोलता है कि यहाँ पे आपको पीसी मोड मिलने वाला है, पीसी मोड आपको व्यू भी दे रहा है लेकिन वहां पे आपको एडिशनल पोर्ट्स भी दे रहा है, जिसके थ्रू आप कीबोर्ड भी लगाओ माउस भी लगाओ। सैमसंग तो आपको एडिशनल पोर्ट्स भी नहीं दे रहा, तो आप उसमें कीबोर्ड माउस क्या लगाओगे, आपको सोचना पड़ेगा भाई कि उसमें कीबोर्ड लगाओ या माउस लगाओ। तो यहाँ पे अगर कुल मिलाकर अगर मैं समराइज करूँ इस टीवी को, तो यहाँ पे मुझे अगर मेरे रिकमेंडेशन आप लेना चाहोगे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज 2020 वाली लीजिए। परफेक्ट टीवी है, हर चीज में प्लस पॉइंट में है, हर चीज अच्छी है। बस खाली यहाँ पे आपको ब्रांडिंग बोलते हैं ना कि आपको व्यू की देखने मिलेगी और थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है, लेकिन आपको पिक्चर क्वालिटी इंटरनल स्टोरेज हर चीज में आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला व्यू की टीवी है। दूसरी तरफ बात करो सैमसंग का, तो सैमसंग में सिर्फ भाई ब्रांड वैल्यू का आपको पैसा लिया जा रहा है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे 10,000 रुपए देने पड़ रहे दोनों टीवी को कंपेयर करते हो। तो बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है, आप कौन सी टीवी लेना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका कोई भी सवाल सुझाव कोई भी राय हो तो मत भूलिए लिखना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ साथ हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने भाई ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगती लेकिन आपको लाइक करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो लाइक जरूर करना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।